हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडलम वीडियो। पेंडलम वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ 1 फरवरी 2020। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, टेड्रोस एड्रेनम गेब्रियसस इज द करंट चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। टेड्रोस एड्रेनम गेब्रियसस निम्न में से किस संगठन के वर्तमान प्रमुख हैं? आपको ऑप्शन गिवन है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आपको ऑप्शंस गिवन है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नन ऑफ दी अबव। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है ऑन द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस जो है, वो कोरोना वायरस जो है ये पूरा चाइना में फैल गया है और बहुत सारी डेथ्स भी हो चुकी हैं। चाइना में रिपोर्ट हुआ है एंड अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी रिपोर्ट आई है, जैसे साउथ कोरिया में डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा ये व्यापक तौर पे फैल रहा है और इस पर बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबके कोऑर्डिनेशन के लिए, सारी कंट्रीज़ के लिए जो है ये इमरजेंसी स्टेटस अभी इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, अगर WHO की बात करें तो ये एक UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1948 में फाउंड हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जो हेड हैं वो है टेड्रोस एडेनम गेब्रियसस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रानी रामपाल हु रिसेंटली वन द वर्ल्ड एथलीट अवार्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हाल ही में विश्व एथलीट पुरस्कार से सम्मानित रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आपको ऑप्शंस गिवन है बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी और क्रिकेट। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हॉकी। फ्रेंड्स, इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, वो जो है पहली हॉकी प्लेयर बनी है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खासकर जिन जिन एग्जाम्स में स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ पूछी जाती हैं। एंड द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन। 2019 में इंडिया ने FIH सीरीज के फाइनल्स जीता था और रानी रामपाल को उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया था। एंड उनकी लीडरशिप में इंडिया ने जो है इंडिया की जो वुमेन टीम है उन्होंने 3 ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। ठीक है, एंड इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया जाएगा। और पद्मश्री अवार्ड्स मतलब पद्म अवार्ड्स और क्या होते हैं, एंड पद्म इस बारी 2020 में पद्म अवार्डीज कौन कौन से हैं, इस पे हमने अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, आप उसको ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं बहती है? आपको ऑप्शन गिवन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। फ्रेंड्स, अभी जो है 3 दिवसीय जो है नर्मदा महोत्सव जो शुरू हो चुका है अमरकंटक मध्य प्रदेश में ऑन द ओकेजन ऑफ नर्मदा जयंती। फ्रेंड्स, नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें तो एक रिफ्ट वैली रिवर है जो फ्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका सोर्स कहाँ है? सोर्स है इसका अमरकंटक हिल्स में, कहाँ पर लोकेटेड है, जो कि मध्य प्रदेश में। और जो ये रिवर है ये फ्लो करती है थ्रू दी स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है अबाउट द नर्मदा रिवर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये वाली रिवर जो है किस किस स्टेट से फ्लो नहीं करती है, या फिर पूछ सकते हैं इस रिवर का सोर्स क्या है, या फिर ये कोई रिफ्ट वैली रिवर है, इस टाइप से पूछ सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following became the first deaf person to row across Atlantic? निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक के पार जाने वाली पहली बधिर व्यक्ति हैं? तो आपको ऑप्शन गिवन है मो ओब्रायन, रिचर्ड क्राइस्ट, नो बॉब डेनियल, नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मो ओब्रायन। फ्रेंड्स, ये 60-year-old फार्मेसी वर्कर जिनका नाम है मो ओब्रायन, ये पहली फर्स्ट डेफ पर्सन बनी है जिन्होंने 3000 माइल्स जो है रो किया है अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। और वो और उनके जो फेलो क्रू मेंबर्स थे उसमें उनकी
बेटी भी शामिल थी. दे रीच कैरेबियन आइलैंड ऑफ एंटीगुआ 49 डेज आफ्टर सेटिंग आउट फ्रॉम दी कैनरी आइलैंड ऑफ ला गोमेरा. एंड फ्रेंड्स, जो रिकॉर्ड है इसको किसने कन्फर्म किया है? बाय द ओशन रोइंग सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग द ओशन रोइंग रिकॉर्ड्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट्स इकोनॉमिक सर्वे एनुअली. निम्नलिखित में से कौन सालाना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? आपको ऑप्शन गिवन है प्रेजिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर या लीडर ऑफ लोकसभा. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर. फ्रेंड्स, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 वो प्रेजेंट किया जा चुका है बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन. ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिपेयर और प्रेजेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इसको एनुअली प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में बिफोर द बजट पेश करने से पहले इसको पेश किया जाता है. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज बजट पेश हुआ है एंड कल इसीलिए ये जो है 31st को ये प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट कर दिया जा चुका था. ठीक है, इट डिपिक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड रिकमेंड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होती है कंट्री की उसके बारे में बताता है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी बताता है. इस बार का जो सर्वे था 2019-20 का, इट कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स टू एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एट 6-6.5% इन द नेक्स्ट फिस्कल. ठीक है, चल और हम जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे सेपरेट वीडियोस लाएंगे तो उनको आप डिटेल में देखने उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए उन वीडियोस को आप जरूर देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड विद 2019 पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म. निम्नलिखित में से किसे 2019 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार से लोकतांत्रिक आदर्शवाद के लिए सम्मानित किया गया? सो फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन गिवन है कमल हसन, करीम अख्तर, यूसुफ जमील एंड व्योम शर्मा. तो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूसुफ जमील. फ्रेंड्स, जो यूसुफ जमील है वो सीनियर जर्नलिस्ट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. इन्होंने जो है 2019 पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म जीता है. ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया था बाय पेन साउथ इंडिया एंड पेन दिल्ली. एंड यूसुफ जमील की बात करें तो दे ही हैज़ वर्क इन बोथ हिंदू एंड उर्दू मीडिया, बोथ इन न्यूज़पेपर एंड रेडियो. एंड ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर फियरलेस एंड कैंडिड जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर वैली इन द लेट 80s एंड 90s. ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजमल सुल्तानपुरी हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. हाल ही में अजमल सुल्तानपुरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हुए हैं पोएट, कॉमेडियन, एक्टर एंड पेंटर. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पोएट. फ्रेंड्स, जो नोटेड उर्दू पोएट हैं अजमल सुल्तानपुरी वो रिसेंटली पास अवे हो गए हैं और एट द एज ऑफ 97 उनको अवार्ड दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू उर्दू पोएट्री बाय उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी इन 2016. ओके, एंड उनके कुछ पॉपुलर पोएम्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सी दो हैं? इट इंक्लूड्स कहाँ है मेरा हिंदुस्तान एंड अगर मैं तेरा शाहजहाँ. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करें और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू रिसीव नोटिफिकेशंस. थैंक यू.